ज़कात हज पैसे वालों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं है। और ज़कात पूरे साल में दो मिनट का काम है, जेब से निकाल के और हकदार को दे दिया, ख़त्म। ये 15-20 दिन का हज करके सारी ज़िंदगी की छुट्टी, साल में एक दफ़ा रोज़े एक महीना और नमाज 5 दफ़ा। नमाज में माफ़ी कोई नहीं, बाकी हर चीज़ में अल्लाह ताला ने गुंजाइश रखी है। ज़कात आज फ़र्ज हुई है, एक महीने बाद दे दो, एक साल के अंदर जब दे दो। इस साल हज फ़र्ज हो गया है, ज़िंदगी में किसी वक्त कर लो, रोज़े में बीमार हो गए हो बाद में रख लो। सिर्फ एक नमाज में अल्लाह ने कहा कि ये छुट्टी नहीं है, इसे हर हाल में अदा करना है, इसकी माफ़ी नहीं। इसको अल्लाह ने मजबूती से बयान फरमाया, अकीमुस्सला व आतुज़्ज़का, अकीमुस्सला व आतुज़्ज़का 10 दफ़ा कुरान में आया है। नमाज पढ़ो ज़कात दो, नमाज पढ़ो ज़कात दो। लेकिन 5 वक्त का काम है ना, 24 घंटे का काम तो नहीं है। अहमियत के लिहाज से इबादात में सबसे आला दर्जा नमाज का है, सबसे आला दर्जा नमाज का है, माफ़ी कोई नहीं। मैं कहा करता हूँ, अगर गुंजाइश होती तो इस 14 सदी में करबला वालों को गुंजाइश होती कि नमाज छोड़ देते। जो दुनिया का सबसे अजीब व गरीब वाक़या है, जुल्म व सितम में भी और मजलूमियत में भी, एक तरफ मजलूमों पर जुल्म की इंतहा है और एक तरफ जालिम के जुल्म की इंतहा है, और ऐसा करबनाक वाक़या शायद तारीख में ना दोहराया जाए कभी भी। ना इतने अहले, ना हुसैन हो और ना इतने बड़े दर्जे का जुल्म व सितम देखने को मिले। वो तो नवासा रसूल दोबारा तो नहीं आएंगे, जहाँ नवासा रसूल अपने भाई बेटों समेत भतीजों समेत ज़बह हो रहे हों, ज़मीन आसमान ने कभी ये मंज़र देखा या देखेगी। नमाज का वक्त आया, इमाम अली मकाम ने ज़ुहैर उनके एक साथी थे उनसे कहा कि ये शिमर से कहो हमें नमाज पढ़ने थी, नमाज पढ़ने थी। मैं यूँ कहता हूँ, अगर ये काफिला नमाज ना भी पढ़ता तो इनकी जन्नत का फैसला हो चुका था। ये तो बिल्कुल मौत के किनारे पर खड़े थे और लहू लुहान थे सारे काफिले वाले। उन्होंने आगे जाकर शिमर से कहा नमाज पढ़ने दो, उन्होंने कहा हम नहीं पढ़ने देंगे, नमाज में भी हमारी तलवार चलेगी। तो उन्होंने वापस आकर बताया कि वो राजी नहीं है। तो आपने कहा ठीक है, आधे नमाज पढ़ो आधे जंग करो। नमाज नहीं छोड़ो, नमाज नहीं छोड़ी, आधे नमाज पढ़ो आधे जंग। मरे कितने दोस्त हैं, अच्छे अच्छे नमाज हो जी, मीटिंग चल रही थी इसलिए नमाज छूट गई, कजा पढ़ लवेंगे पीछे पढ़ लवेंगे, मीटिंग चल रही थी नमाज छूट गई। करबला से बड़ा वाक्या इंसानी तारीख में नहीं आएगा, नमाज नहीं छोड़ी, नहीं छोड़ी। आधों ने नमाज पढ़ी, आधों ने जंग की, फिर उन्होंने नमाज पढ़ी और उन्होंने जंग की, और असर से पहले सबके सर कट के नेजों पे चढ़ चुके थे। और ये वो शहजादे थे जिनको अल्लाह के नबी ने कहा हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार, और उनको ये सरदारी इस शहादत की वजह से नहीं मिल रही। अभी माँ की गोद में दूध पीते थे जब अल्लाह के नबी ने कह दिया था हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार, जिनके नाम अल्लाह ने तजवीज़ किए। जब हसन पैदा हुए तो आपने हजरत अली से पूछा क्या नाम रखा है, उनका जी हर्ब, हर्ब कहते हैं लड़ाका, आपने कहा नहीं इसका नाम है हसन। फिर हुसैन पैदा हुए, आपने कहा क्या नाम रखा है, कहा जी हर्ब, कहा नहीं इसका नाम है हुसैन। फिर आपने फरमाया कि अल्लाह ने ये दो नाम मेरे बच्चों के लिए रखे हुए थे, आज तक किसी को ये नाम नहीं दिए गए, पहली दफ़ा मेरी औलाद को दिए जा रहे हैं, हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार। और ऐन शहादत के वक्त में नमाज नहीं छोड़ी तो आप लोग मीटिंग की वजह से नमाज कैसे छोड़ सकते, या मैं मीटिंग की वजह से नमाज कैसे छोड़ सकते, या हमारी मस्तूरात घर के काम काज की वजह से नमाज कैसे छोड़ सकते।
یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں اللہ نے کوئی گنجائش نہیں رکھی. اور ایسی نماز 14 صدی میں شاید ہی کسی نے پڑھی ہو جیسی اس قافلے نے پڑھ کے اللہ کو دکھا دی کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم. This video narration has been prepared by theclearevidence.org.